हेलो बच्चों अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शायद सरज एजुकेशन पॉइंट बेटा आज बात करेंगे लास्ट टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर थ्री यस माय डियर वुमेन एम्पावरमेंट तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्पावरमेंट का मतलब क्या है एम्पावरमेंट का मतलब है किसी को अथॉरिटी देना किसी को पावर देना ताकि वो अच्छी तरह से वो एक्टिविटी कर सके ठीक है तो यहाँ पर बात हो रही है वुमेन की मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि वुमेन को ट्रीट किया जा रहा था डिप्राइवेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया जाता था लेकिन अब एजुकेशन का ऐसा रोल है ऐसा रोल है अब एजुकेशन की मदद से हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं वी कैन गिव फ्रीडम टू द वुमेन फ्रीडम डज इट मीन हम उन पे नजर नहीं रखेंगे नोम डियर ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रॉडली मतलब अंडरस्टैंड कर uh, करने की कोशिश करेंगे यहां पे मसला है ह्यूमैनिज्म का फॉर एग्जाम्पल मैन एंड वुमेन बोथ आर ह्यूमस एंड इक्वली वी आर सेम राइट जो टैलेंट या स्टैटस मैन को दिया जाता है वही स्टैटस वुमेन को भी दिया जाता है uh, मतलब देना चाहिए तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब है वी आर एम्पावरिंग वुमेन तो वुमेन को इल ट्रीट नहीं करना चाहिए तो ये हमें कब समझ आएगा जब आपके पास राइट कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन होगा समझ आए बेटा अक्सर हम कहते हैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं या आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि जहां जहां पे वुमेन की बात आ रही है वहां वहां पे हमें लगता है कि वुमेन इज वीक राइट नो डाउट फिजिकली वुमेन्स आर वीक बट वेन वी कंसिडर देयर मेंटल एबिलिटी दे आर इक्वल सो वी हैव टू ट्रीट बोथ मैन एंड वुमेन इक्वल इट इज पॉसिबल ओनली वैन यू हैव द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन तो एजुकेशन नाउ नाउडेज हैज एम्पावर्ड द वुमेन एजुकेशन की मदद से अब वुमेन के जितने भी राइट्स हैं वो अब राइट्स को जान सकती है बिकॉज एजुकेशन कैन हेल्प अ वूमेन टू नो हर राइट शी कैन मेक हर चॉइसिस शी कैन मेक हर डिसीजन राइट शी कैन लिव हर लाइफ एज ही वॉन्ट राइट बट देर आर सो मेनी यू नो बोटल नेक्स जो ऑलरेडी मैंने आपको कहा सोशल इकोनॉमिकल रिलीजियस देर आर सो मेनी थिंग्स जिससे हमें हिंड्रंस आती है कि हम वुमेन को एजुकेट नहीं करा सकते हैं तो इट इज नो सिंपल नॉटर आपको बिल्कुल इजीली ये समझ आएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है वुमेन एम्पावर का मतलब है कि वुमेन को भी अथॉरिटी दी जाए पावर दी जाए ताकि वो अपनी लाइफ जिस तरह हम जीते हैं वो उनका भी हक है अगर अगर हम एजुकेटेड हैं तो उनको भी हक है कि उनको भी एजुकेशन दिया जाए अगर मैन कैन डिसाइड देयर चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग तो वुमेन हैज ऑल्सो द राइट

आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि वुमेन्स पे कितना इल ट्रीट किया जाता है वुमेन्स के साथ किस तरह से अगर हम वर्क प्लेसेस की बात करेंगे पब्लिक प्लेस की बात करेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना जुल्म होता है वोमेंस पे बिकॉज वी आर लैकिंग व्हाट काइंड वट एजुकेशन यार तो एजुकेशन से एजुकेशन एक आपके पास एक हथियार है जिससे वुमेन अपने राइट्स को जान सकती है वुमेन कैन फाइट जहां जहां पे उसको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस होती है तो एजुकेशन एक ऐसा हथियार है उसके पास जिसे वो फाइट कर सकती है ठीक है तो वुमेन एम्पावरमेंट यहां मतलब क्या है हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है तो इट रेफर्स टू द एनवा मतलब क्रिएशन ऑफ एन एनवायरमेंट फॉर वुमेन वेयर दे कैन मेक डिसीजन ऑफ देयर ओन एंड वेयर दे कैन लिव देयर लाइफ कंफर्टेबली समझ आ गया तो बिफोर अगर हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे ब्राह्मण पीरियड की बात करेंगे वहां पर दुमेन वॉज नॉट अलाउड टू ज्वाइन द संघा वोमेन वॉज नॉट अलाउड फॉर एजुकेशन राइट तो शी वॉज नॉट है ऐसा रोल है आप देख सकते हो कि कहीं पे भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है या आज किसी भी स्कूल में ये नहीं कहा जाता है कि आप यू आर ए गर्ल तो यू आपको एडमिशन नहीं मिलेगा नो एवरीथिंग हैज़ बिन चेंजड किसने चेंज किया एजुकेशन ने तो यहाँ अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना वॉट इज वुमन एम्पावरमेंट एंड वॉट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरिंग द वमेन क्या आप लिख सकते हो बिल्कुल लिख सकते हो आराम से लिख सकते हो बिकॉज आई एम गोइंग टू लिटिल बिट थ्रू अ लाइट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड आफ्टर दैट वैन यू गो थ्रू द पेजेज ऑफ द नोट्स आपको ईजीली वो समझ आएगा तो वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ देखिए वुमेन एम्पावर का फोकस क्या है वुमेन को अथॉरिटी दी जाए पावर दिया जाए कि टू डू द एक्टिविटीज इन एनी सोशल सेटअप इन एनी रिलीजस सेटअप इन एनी इकोनॉमिक सेटअप पोलिटिकल सेटअप एंड लीगल सेटअप तो ये सारी चीज़ों में वुमेन की इन्वॉलमेंट तो वुमेन को एम्पावरमेंट मिलना चाहे इन द सोसाइटी इन द रिलीजन इन द इकोमिकनॉमी इन दॉल देखो कल मैंने आपको कहा था कि वेन यू एजुकेट द वुमेन तो यूर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कैन इंक्रीज

जितने भी सोशल प्रोसेस हैं उनमें वुमेन का इन्वॉलमेंट होना चाहिए तो हम इस तरह से वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं एम्पावर का मतलब क्या है किसी इंसान को अथॉरिटी देना किसी इंसान को पावर देना कि ताकि वो अपने तरीके से काम करें बहुत सारी चीज़ें हैं ना फॉर एग्जाम्पल वुमेन को कहा जाता है आप वहाँ नहीं जा सकते आप ये नहीं कर सकते हो बिकॉज आप वुमेन हो आप वो हो ना वी आर इक्वल हा जितना दिमाग हमारे पास है उतना ही दिमाग हमारे बहनों के पास भी है माओ के पास भी है ना वुमेन तो वुमेन को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए तो दैट इज एम्पावरमेंट इफ यू ट्रीट वुमेन इक्वल टू द मैन दैट इज इट इज एम्पावरमेंट तो ये काम कौन कर सकता है ये काम कर सकता है एजुकेशन तो एजुकेशन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले बाई विच वी कैन क्रिएट सच एन एनवायरमेंट हम ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पे वोमेन फ्रीली अपनी लाइफ को मतलब लिव कर सके ठीक है एंड दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन जो वेदर द डिसजन आर देयर पर्सनल और वेदर दे आर रिलेटेड विद द सोसाइटी माय डियर ओके तो ये वोमेन एम्पावरमेंट है तो वोमेन एम्पावरमेंट किस किन किन चीजों में सोशल सेटअप रिलीजियस सेटअप इकोनॉमिक सेटअप पॉलिटिकल सेटअप लीगल सेटअप अभी आप देख रहे हैं ना आज अगर हम प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वुमेन देखेंगे कि वुमेन हर किसी जगह में दिखाई देती है वुमेन इज़ अ टीचर अ डॉक्टर एंड इंजीनियर राइट क्या कहते हैं देर आर सो मनी एग्ज़ाम्पल्स यहाँ आज आप एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे मतलब जो बोर्ड एग्जाम हो सेंट्रल बोर्ड का एग्ज़ाम हो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो आए दिन हम देखते हैं कि टॉपर्स कौन होते हैं वोमेन होती है तो ये दिस देर हैज़ बीन अ वेरी गुड पैराडिम शिफ्ट वेरी गुड चेंज तो उस चेंज को लाने वाला एजेंट कौन है एजुकेशन है तो एजुकेशन से आज आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन आवर वुमेन्स आर अहेड ठीक है हर कोई फील्ड हर किसी फील्ड में आपको कौन दिखाई दे रहा है वुमेन्स आर अहेड चाहे वो सोशल हो रिलीजियस हो इकोनॉमिक हो पॉलिटिकल हो लीगल हो जो भी हो आप किसी भी वर्क प्लेस में देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखो स्कूल कॉलेजेस टीचर्स एवरीवेयर देयर इज वुमेन सो व्हाई ज दियर इज ए रोल वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले वट इज दैट दैट इज एजुकेशन आई होप बेटा एजुकेशन का क्या रोल है एजुकेशन वो एम्पावर कर सकती है तो हियर आई विल राइट टू डेफिनेशन ऑन वुमन एम्पावरमेंट तो वो दो डेफिनेशन आपको याद करने है उसके साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि वट वी मीन बाई वुमेन एम्पावरमेंट सो हेयर वी आर ओके माईडियर यू कैन क्लियरली सी नाउ वॉट वुमेन एम्पावरमेंट इज आई हैवन समू थ्री पॉइंट्स तो यही आपको याद रखने हैं और प्लस देर आर मिनिमोर पॉइंट जो नोट्स में लिखा हुआ है बट बिल्कुल सिंपल है जो हमने एक्सप्लेन किया वही आपको वहां पर भी मिलेंगे बिल्कुल ईजी है तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट आएगा फिर बाद में मत कहना कि हमें खबर नहीं थी तो जल्दी जल्दी से हम आपको बताएंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली क्या है जो मैंने एक्सप्लेन किया वही मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ आप देखें वुमेन एमपावरमेंट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ एन एनवायरनमेंट फॉर वुमेन वेर दे कैन मेक देयर ओन फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट एज वेल एज फॉर द सोसाइटी तो यही तो हम बात कर रहे थे कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट क्रिएट करें किन के लिए वुमेन्स के लिए ताकि वो खुद डिसीजन ले सके अपने आप के लिए बेनिफिट के लिए और जो बेनिफिट सोसाइटी के लिए भी होगा तो यह आपको याद रखना है एंड नंबर सेकंड इट आल्सो रेफर्स टू द इंक्रीजिंग एंड इंप्रूविंग द सोशल रिलीजियस इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड लीगल स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन वही तो मैं बात कर रहा था इससे पहले मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया था कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है वी हैव टू गिव स्ट्रेंथ टू दुमन सोशली इकोनॉमिकली रिलीजियसली लीगली एंड पोलिटिकली राइट तो यही तो क्या है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये भी है कि हमें इक्वल राइट टू अगर हमें equal right to the woman देना है, है, हमें उनको इतना confident बनाना है ताकि वो अपने rights के बारे में claim कर सके। तो मैंने लिखा इट ऑल्सो रेफर्स टू एंश्योर इक्वल राइट टू वुमेन एंड मेक दम कॉन्फिडेंट एनफ टू क्लेम देयर राइट्स ठीक है ना तो वो राइट्स क्या क्या है बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे स्किप किया है मैंने स्किप क्यों किया क्योंकि आ, आप आराम से आप जब नोट्स को देखोगे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आएगा बिकॉज ऑलरेडी हमने बहुत इससे पहले भी वुमेन एजुकेशन के बारे में पढ़ा था वो आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड माई डियर बाई दिस वी हैव कम्प्लीटेड अलहमदुल्ला चैप्टर नंबर थर्ड नाउ चैप्टर नंबर फाइव जो फोर जो है जो आपका चैप्टर नंबर फोर है इसमें वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ना है तो लेकिन यहाँ पे मैं अब स्टार्ट करूँगा अब मैं हफ़्ते में एक या दो दिन आपकी क्लास लूँगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी पेंडिंग है अभी गाइडेंस एंड काउंसलिंग बाकी है अभी साइकोलॉजी का ऑर्गेनाइज साइकोलॉजी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट और जेनरिक साइकोलॉजी बहुत सारे यार कितने स्टूडेंट्स मुझे मतलब मैसेज करते हैं सर ये वाला पढ़ा वो वाला पढ़ा भाई आराम से आराम से सब कुछ पढ़ाएंगे और हाँ अभी जो मैं चाहे लाइफ डेवलपमेंट की बात करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की बात करेंगे उसमें हम लंबा लंबा लेक्चर देंगे ताकि वो दो लेक्चर्स में आपका पूरा यूनिट कवर होगा ठीक है तो थैंक यू मेला ब्लेस यू और माय डियर अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्लेलिस्ट प्ले स्टोर प्ले में शायद सर एजुकेशन पॉइंट को आप Uh, uh, मतलब डाउनलोड <coughs> करो मेरी ऐप को और वहाँ पे बहुत सारे नोट्स अवेलेबल मैंने रखे हैं और लाइफ स्पेन डेवलपमेंट को लेकर मैंने कल शाम को ही मतलब नोट uh, अपलोड um, किया था यू कैन गो टू माय दिस ऐप एंड यू कैन इजीली डाउनलोड दैट ठीक है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ठीक है तो थैंक यू मेरा ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग